हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग जो है कि प्रैक्टिस सेट 11 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ऑलरेडी जो है 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है, ठीक है, जो कि SD पब्लिकेशन का है। और इसको अच्छे से देखिए और सॉल्व कीजिए ताकि आपको भी अंदाज होगा कि आप कितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं और कितना ज़्यादा तैयारी किए हैं, ठीक है। तो और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिएगा उतना ज़्यादा ही आपको आने वाला एग्ज़ाम में बेनिफिट होगा, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता संबंधित है, प्राग ऐतिहासिक युग से, आद ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। जी हाँ, देखिए यहाँ सिंधु सभ्यता पूछ रहा है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता जो है यह संबंधित है आपका आद ऐतिहासिक काल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। जी हाँ, देखिए 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जो जुड़ा हुआ है वह ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, असंग, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन। यह देखिए प्रथम ईसवी शताब्दी में जो बौद्ध भिक्ष को चीन भेजा गया था वह कौन था? नागार्जुन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, अंग में, बंग में, कलिंग में, मगध में। जी हाँ, उस समय जो था राजा का आदेश नंदवंश का राजा था, ठीक है, और वह जो है कि कलिंग में एक नहर खुदवाने का आदेश दिया था, ठीक है। और जी हाँ, इसका सही आंसर है कलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंतिम मौर्य सम्राट था जालोक, अवंती वर्मा, नंदीवर्मन, बृहद्रथ। जी हाँ, इसका सही आंसर है बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक और अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली थी, कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय, मौर्यों के समय। जी हाँ, देखिए ये गंधार शैली वह कुषाण के समय में, खासकर कनिष्क के शासनकाल में ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था चार्वाक, गौतम, कपिल, जैमिनी। जी हाँ, न्याय दर्शन का जो प्रचारित किया था वह गौतम ने किया था। इसे ध्यान रखिए, सब आता है क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था रुपया, दाम, टंका, शमशी। जी हाँ, यहाँ पे तांबे का जो सिक्का आता था उसको दाम कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी?
ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ दो क्वेश्चन छुपा हुआ है। चांदा तांबा का जो बना हुआ था तो पैसा उसको दाम बोलते थे, और चांदी का जो हुआ था उसको रुपया बोलते थे। ये दोनों में एक्सचेंज रेट विनिमय दर क्या था? 16:1, 32:1, 48:1, 64:1। ये शेरशाह किस्म में बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर होगा 64:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? कुतुब मीनार, लोदी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, लाल किला। जी हाँ, देखिए यहाँ पे भारतीय और फारसी का वास्तुकला का जो मिक्स है वो है हुमायूं का मकबरा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है? महिषासुर मर्दानी, नटराज, राम, सोम स्कंद। जी हाँ, इस सभी को मालूम होगा नटराज का जो मूर्ति है चोल स्थापत्य कला का विश्व प्रसिद्ध है, नटराज की मूर्ति। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? फरिश्ता, अल बरूनी, अफीर, इब्न बबूता। जी हाँ, अल बरूनी। इब्न बबूता ध्यान रखिएगा एमबीटी के शासनकाल में आया था, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकर सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? चोल राजकाल, गुप्त राज्यकाल, सातवाहन राज्यकाल, विजयनगर राज्यकाल। जी हाँ, भास्कर सायन जो था वह विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय था। किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, अल बरूनी, शम्स ए सिराज अफीफा। जी हाँ, इसका सही आंसर है अल बरूनी। अल बरूनी है जो है किताबुल हिंद की रचना किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में मुक्त शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की? अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह, फारूक सियार। जी हाँ, इसका आंसर होगा फारूक सियार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ, इसका सही आंसर है विलियम बेंटिंक, 1828-29, ठीक है। और भारत की तरफ से जो इनका सपोर्ट किया था वो था राजा राम मोहन रॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का किन प्रांतों से चयन किया? उत्तर प्रदेश व बिहार के ब्राह्मण, पूर्व में बंगाली एवं उड़िया, गोरखा सिख पंजाबी उत्तर प्रांत से, मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। यहाँ देखिए, जब ये 1857 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद इसमें तो पता ही होगा सर्वप्रथम सिपाही सब ने इसका विरोध किए थे, इसलिए इस विरोध के बाद सिपाहियों का जो भर्ती हुआ था वह गोरखा सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू,
हिंदी, अंग्रेजी, मराठी। जी हाँ, इसका सही आंसर है उर्दू। ठीक है, इसका उर्दू में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण। सर्वोदय, जी हाँ, सर्वोदय समाज की सबसे पहली बार जो है कि प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी। जी हाँ, हिंद स्वराज महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है, मोंटेग्यू घोषणा के नाम से, मार्ले घोषणा के नाम से, मिंटो घोषणा के नाम से, जेम्स फोर्ड घोषणा के नाम से। जी हाँ, ये जो है कि मार्ले मिंटो नहीं, ये तो 1909 में, इसको बोलते हैं मोंटेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1917 का जो सुधार हुआ था उसको मोंटेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? भोला भाई देसाई, कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा भोला भाई देसाई। देखिए यहाँ पे 1945 में आज़ाद हिंद फौज की पैरवी, ठीक है, वह भोला भाई देसाई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? रेमजे मैकडोनाल्ड, स्टेनले बोल्डविन, नेविल चेम्बरलेन, विस्टन चर्चिल। जी हाँ, 1931 में हुआ था, रेमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था। ठीक है, सांप्रदायिकता के आधार पर इलेक्शन कंडक्ट करवाने का। निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके परिणाम स्वरूप जालियांवाला बाग जनसंहार घटना घटी? ऑप्शन है, द आर्म्स एक्ट, द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, द रोलेट एक्ट, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है द रोलेट एक्ट। मतलब इसमें जो है कि देशभक्त नहीं बनना है, ठीक है, अंग्रेज भक्त बनना है, सिंपल ये जानिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी ML नेहरू ने, जे नेहरू, RK नेहरू, BL नेहरू। नेहरू रिपोर्ट 1928 में गठित किया गया था साइमन कमीशन के, साइमन कमीशन बोला कि एक भी ऐसा बिल पारित करवा के दिखाओ जिसमें कि सर्वसम्मति से पास हो और उस दिन मैं भारत छोड़ के चला जाऊँगा। इसी में मोतीलाल नेहरू जो है एक रिपोर्ट बनाया जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट, लेकिन सांप्रदायिकता के कारण यह रिपोर्ट भी विफल हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है बोला है, यह किसानों से जुड़ा हुआ था, एकदम सही है, इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था, ये भी सही नहीं है। तो राजेंद्र प्रसाद तथा JV कृपलानी ने इसमें MK गांधी का सहयोग किया था, यह प्रथम आंदोलन था जिसे MK गांधी ने संपूर्ण भारत स्तर पर आरंभ किया था,
देखिए यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह का संबंध नहीं पूछा जा रहा है, यह जो है कि पूरे भारत लेवल पे नहीं, सिर्फ बिहार के पश्चिम चंपारण में इसका जो है कि प्रारंभ किया गया था 1917 में, महात्मा गांधी द्वारा यह प्रथम सत्याग्रह था और यह तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध में था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सूची वन को सूची टू से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। मिलाना है ब्रह्म समाज, जैसे यहाँ पे देखते हैं ब्रह्म समाज, मानव धर्म समाज, आर्य समाज, नंदवा उल उलमा, तो ये सब जो है कि कहाँ पे गठन किया गया, नीचे आपका ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ए वन टू इस टाइप का दिया गया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज तो आपको एकदम ये पूरा क्लियर है, राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में 1828 में किया गया था। ठीक है, उसके बाद मानव धर्म समाज सूरत में किया गया था, आर्य समाज मुंबई में, नदमा उल उलमा जो है लखनऊ में किया गया था। इसका आंसर हो गया डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? एनी बेसेंट, एमेजिन्ना, मैडम बिखावा, बिखाजी कामा, फिरोज शाह मेहता। जी हाँ, एनी बेसेंट के भूमिका जो है ये निभाई थी अतिवादी और उदारवादी को मिलाने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गुरु नानक देव के बारे में सही है, यह सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु थे। इनका जन्म तालवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। इन्होंने संगत और पंगत प्रथा का आरंभ किया। इनकी मृत्यु करतारपुर में हुई। जी हाँ, इसका जो है कि सभी सही है, इसका आंसर हो जाएगा ई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ था, तो प्रथम आंग्ल बर्मा किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट, सर जॉन सेर, लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, जो यहाँ पे आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना सिबली रुमानी ने, मौलाना हुसैन अहमद ने, मौलवी अहमदुल्ला चक्रवर्ती ने, मौलाना अब्दुल रिजब खान ने। जी हाँ, इसका सही आंसर है मौलाना हुसैन अहमद द्वारा दारुल उलूम का स्थापना किया गया था। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? काकोरी कांड, चौरा चौरी कांड, जालियांवाला बाग कांड, मुजफ्फरपुर कांड। जी हाँ, ये चौरा चौरी कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी जो है ये असहयोग आंदोलन को क्या किए, वापस ले लिए, रिटर्न ले लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी वह था भगत सिंह, बिपिन चंद्रपाल, जतीन दास, एसी बोस। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वह जतीन दास थे, जो कि जेल में जो कैदियां सब होता है उनके साथ अमानवीय तरह का व्यवहार होता था, उसी के परिप्रेक्ष्य में जतीन दास द्वारा हड़ताल किया गया था, लेकिन वह सक्सेस नहीं हुआ और वह उनका देहांत हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिल्ली सल्तनत का
राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? 1498, 1526, 1565, 1600 ईस्वी। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत आपको मालूम होगा 1211 से लेकर 1526 तक, जब पानीपत का फर्स्ट युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ, तब उसके बाद दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया? अस्त हो गया सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? शमसे सिराज हफीफ, तारिक ए फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी, तारिक ए मोहम्मदी, अमीर खुसरो, तवाकत ए नासिरी, इब्न बबूता, फतवा ए जहांदारी। तो इसमें बताना है कि आपको कौन सा सुमेलित किया गया है, ठीक है? तो जी हाँ, शमसे सिराज अफीफ, ये तारिक ए फिरोज शाही, यह सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, फिर से मैच करना है। जैसे तुगलकाबाद हो गया, लाल किला हो गया, हौज खास हो गया, द सिटी ऑफ सीढ़ी, अब यहाँ पे कौन शासक बनाया है, नहीं बनाया है? ये तो सबसे सबसे जो बेस्ट यहाँ सब जानता होगा मेरे ख्याल से, हौज खास, ठीक है? हौज खास जो है कि वह किसके द्वारा बनाया गया है, ये सभी जानते होंगे, हौज खास। जी हाँ, यह हौज खास किसके द्वारा बनाया गया था? FST के द्वारा, ठीक है? और उसके बाद जो है कि तुगलकाबाद, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। तो अब यहाँ पे मिला लीजिए, A का 4 यहाँ पे है, लेकिन C का 3 होना चाहिए, C का 3, A का 4, B आंसर यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे सिटी ऑफ सीढ़ी भी देख लीजिए क्या है, ये सब क्वेश्चन मान चलिए आएगा तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो सिटी ऑफ सीढ़ी जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था, और लाल किला शाहजहाँ के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? चित्रकला, स्थापत्य कला, नृत्य कला, संगीत कला। जी हाँ, स्थापत्य कला जो है कि सर्वाधिक हुआ था सल्तनत काल में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बर्ड फ्लू पैदा करने वाले H5N1 वायरस का सबसे पहले पता चला था 1990 में, 1995 में, 1997 में, 2001 में? जी हाँ, सबसे पहले जो था 1997 में मालूम चला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कियोप्टेरस में निम्न सरीसृप लक्षण थे, ठीक है? पहले यह क्रीपर ऑर्गेनिज था और बाद में क्या किया, उड़ने लगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सरीसृप के कौन सा लक्षण था उसमें? तो ऑप्शन है, जबड़े पर दांत, पूंछ, चोंच। दूसरा ऑप्शन है, नकृत, पंखे, जबड़े पर दांत, पूंछ, नखरित पंख, सल, पिच, जबड़े पर दांत, पीच, पूंछ। जी हाँ, जो आर्कियोप्टेरस था उसका जो है नखरित पंख, जबड़े पर दंत तथा पूंछ, ये सरीसृप का लक्षण था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? F. Banting, एडवर्ड जेनर, रोनाल्ड्स रॉस, S. A. Waxman। जी हाँ, जो इंसुलिन का जो है इन्वेंशन किया था वह बैंटिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है? इंसुलिन पता ही हुआ क्या है, ये डायबिटीज, पेंक्रियाज, ये सब रिलेटेड इससे समझ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मानव रक्त का लाल रंग होता है मायोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, इम्यूनोग्लोबिन के कारण, हेमोग्लोबिन के कारण। मानव का जो ब्लड होता है रेड, मतलब RBC रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें होता है हेमोग्लोबिन और यही कैरी करता है क्या चीज, ऑक्सीजन। तो ये क्या बन जाता है, HbO2, तब ये ब्लड में सर्कुलेट करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं, ऑस्टियो अस्थि में, रुधिर में, उपास्थि में, लसिका में। देखिए यहाँ पे ऑस्टियो बोला जाए तो ऑस्टिया वर्ड जो होता है हमेशा अस्थि से रिलेटेड होता है, ठीक है, और ऑस्टिया हमेशा अस्थि से रिलेटेड होता है, ऑस्टियोलॉजी ये सब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयु तक बच्चे के विकास वर्धन के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रोटीन, विटामिन, वसा, दूध। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वह है बच्चों के ग्रोथ करने के लिए सेल का फॉर्मेशन होना चाहिए, वह है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है बहुत ही आवश्यक होता है। समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाए जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जी हाँ, समुद्री खरपतवार में मुख्य स्रोत होता है आयोडीन का। हरित ग्रंथि किसका उत्सर्जन अवयव है, प्रॉन, घरेलू मक्खी, केंचुआ, तिलचट्टा। जी हाँ, इसका सही आंसर है प्रॉन का। प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया है, स्टार्च का पाचन, लोहे को जंग लगाना, फलों को पकाना, लकड़ी को जलाना। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा लकड़ी का जलाना। ये क्यों होता है, देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है ना कि H2O प्लस CO2, अब यहाँ पे क्लोरोफिल और सनलाइट मिलके ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज करता है, ठीक है, याद ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन रिलीज करता है, जबकि कंबसन के लिए कोई भी चीज़ जलने के लिए वहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है, तभी यह क्या होता है, जलता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट का कंबसन। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और इसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, तो इसका सही आंसर होगा लकड़ी का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी, रॉबर्ट हुक, एंटोनियो वान लीवेनहॉक, पोर्किंजे, रॉबर्ट ब्राउन। जी हाँ, जो सेल, जो लिविंग सेल था वो सबसे फर्स्ट में इन्वेंशन किया गया था लीवेनहॉक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि कौन सा है, ऊर्जा, संवेग, बल, आघूर्ण। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है ऊर्जा। देखिए दो होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, जिसमें कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मालूम रहेगा वो वेलोसिटी, और नहीं मालूम रहेगा तो उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो सदिश राशि, तो ये हो जाएगा आपका ऊर्जा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे किरणें के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी, द्रव्य स्पेक्ट्रोमापी, GM काउंटर, साइक्लोट्रॉन। जी हाँ,
क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक्स किरणें के तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए ब्रैग स्पेक्ट्रोमापी का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य का एक अति व्यापक क्षेत्र किस दर्पण के अवलोकित होता है, अवतल, उत्तल, समतल, समतल अवतल। देखिए यहाँ पे दृश्य का एक अति व्यापक क्षेत्र मतलब लार्ज जो एरिया कवर करता है, तभी तो हम लोग रियर व्यू मतलब पीछे देखने के लिए यूज करते हैं, तो होता है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट ईंधन का इंजन का आविष्कार किसने किया था, कार्ल बेंज, सर फ्रैंक विटल, थॉमस सेवरी, माइकल फैराडे। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा सर फ्रैंक विट्ठल। ठीक है, सर फ्रैंक विट्ठल द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, अमीटर, वोल्टामीटर, वाटमीटर, एनीमोमीटर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा का पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर होगा अमीटर, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टामीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पदार्थों का अति निम्न ताप पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतया समाप्त हो जाता है, इन पदार्थ को क्या कहा जाता है, अति चालक, अर्धचालक, प्रावैद्युत की पूर्ण चालक। यहाँ देखिए, जब निम्न ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाए तो उसको बोलते हैं अति चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा यह चाहिए, धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक अथवा ऋणात्मक, शून्य। जी हाँ, इसका आंसर होगा ऋणात्मक। देखिए पलायन वेग क्या होता है, ये मान चलिए आपका अर्थ है, और यहाँ से अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर जाने के लिए जो मिनिमम स्पीड लगता है उसको पलायन वेग बोलते हैं। सन के लिए अलग होता है, मून के लिए अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल सन होता है वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से, जब यहाँ से जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी, न्यूटन, आर्किमिडीज, ग्लेरियो, फैराडे। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा न्यूटन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लैंक के अचर में किसका आयाम होता है, रेखीय गति, कोणीय गति, बल, ऊर्जा। जी हाँ, प्लैंक कांस्टेंट जो होता है वह ऊर्जा का आयाम होता है। ठीक है, जब किसी वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखा जाता है तो बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 1, 2, 4, अनंत। जी हाँ, ये अनंत हो जाएगा। मसाला मॉर्टर एक मिश्रण होता है जल, बालू और बुझे हुए चूने का, बिना बुझे हुए चूने का, चूना पत्थर, जिप्सम। जी हाँ, यह मसाला मॉर्टर जो कि एक मिश्रण है वह है जल, बालू तथा बुझे हुए चूने का, कैल्शियम ऑक्साइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक उच्च किसके कारण होता है, ध्रुवीय सहसंयोजी आबंधन, हाइड्रोजन आबंधन, द्विबंधीय रोधन, वैन डेर वाल आकर्षण। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन आबंधन के कारण। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सीमेंट की खोज किसने की थी? ऑक्सिट, एल्बर्ट मैग्नस, जोसेफ अस्पादिन, जेनसिन। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है जोसेफ अस्पादिन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैसों का उदाहरण है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, हीलियम। जी हाँ, इसका आंसर होगा हीलियम। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट। जी हाँ, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है, AgBr। सिल्वर ब्रोमाइड का क्या होता है फॉर्मूला? कहीं कहीं फॉर्मूला लिखा होता है AgBr। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्ठी में नियंत्रक छड़ों की तरह किया जाता है? सोडियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, बोरोन। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा कैडमियम और बोरोन का जो होता है रड यूज किया जाता है नियंत्रक छड़ों की तरह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम एक मिश्रण है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोनेट का, हाइड्रोकार्बन का, कार्बाइड का। जी हाँ, हाइड्रोकार्बन का। बेयर का अभिकर्मक क्या होता है? क्षारीय पोटासियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटासियम परमैंगनेट, अम्लीय हाइड्रोजन परऑक्साइड, ब्रोमीन जल। जी हाँ, क्षारीय पोटासियम परमैंगनेट, परमैंगनेट KMnO4, पोटासियम परमैंगनेट, एसिडिक पोटासियम परमैंगनेट। किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयुक्तता का गुणनफल किसके बराबर होता है? वाष्प घनत्व, सापेक्ष ताप, परमाणु भार, अणुभार। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वह है परमाणु भार। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निलंबन कण किसके बीच एक जैसा आकार रखते हैं? 10^-2 से लेकर 10^-4 सेंटीमीटर, 10^-5 टू 10^-7, 10^-8 टू 10^-10, 10^-1 टू 10^-2 सेंटीमीटर। यहाँ पे निलंबन का पूछा जा रहा है किसके बीच में इसका आकार प्रकार होगा, तो इसका सही आंसर होगा 10^-5 टू 7 सेंटीमीटर। किस देश में विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान, जर्मनी। जी हाँ, ऊपरी सदन, ठीक है, जहाँ हम लोग के भारत में राज्यसभा है और लोकसभा है, तो यहाँ पर राज्यसभा में तो नहीं पेश किया जाता है, लेकिन विधेयक जो होता है किस देश में विधेयक जो होता है ऊपरी सदन में पेश किया जाता है, तो वह होगा जर्मनी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है? अंतर्राज्यीय नदी, मजदूर संघ, नागरिकता, स्थानीय स्वशासन। देखिए यहाँ पे है क्या, अंतर्राज्यीय जल विवाद अगर हो जाता तो आज नदी की समस्या नहीं होती। नागरिकता सेंट्रल है, स्थानीय शासन राज्य सरकार है, तो मजदूर संघ जो है यह आपका समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का निष्कासन, राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य में संवैधानिक मशीनों के भंग होने की घोषणा, जिससे ठीक है तो अब ये कौन सा सही है जिसमें कि राज्यपाल राष्ट्रपति से आग्रह कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर संवैधानिक तंत्र फेल हो जाएगा तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, और राष्ट्रपति शासन मतलब क्या हो गया, मंत्रिपरिषद उसका खत्म। ठीक है, मतलब राज्य विधानसभा क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा। समझिए, इस तरह से इसको समझिए कि जब वहाँ पे संवैधानिक मशीनी तंत्र फेल हो गया तो अनुच्छेद 356 लग जाएगा, 356, और 356 लगा इसका मतलब मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो गया। ये जब बर्खास्त हुआ तो विधानसभा ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? केंद्र शासित प्रदेश भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। जी हाँ, भाग 8 जो है कि केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड है। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? भारत, श्रीलंका, इजराइल, पाकिस्तान। उस समय जो है कि भारत में थे इंदिरा गांधी, और ये श्रीलंका में एस भंडार नायके, जो कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है, एस भंडार नायके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? यहाँ क्या है, नहीं है बोला जा रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो दूसरा ऑप्शन है, कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, एक या अधिक उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर चुका हो, एक प्रतिष्ठित विधि वेत्ता होना चाहिए। देखिए, इसका जो है कौन सा अनिवार्य नहीं है, एक्चुअली है क्या कि उसका मिनिमम एज के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट का और ना ही हाई कोर्ट का। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, हाँ, लेकिन मैक्सिमम है सुप्रीम कोर्ट का 65 और हाई कोर्ट का 62। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करते हैं? राष्ट्रपति, वेतन आयोग, मंत्रिमंडल, संसद। जी हाँ, इसका आंसर होगा संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की सभी संसदीय समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? सभी संसदीय समिति, जैसे लोक लेखा हो गया, प्राकलन हो गया, तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के गृह मंत्री। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा कोई भी समिति का जो अध्यक्ष होता है वह नियुक्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा भारत के लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, एकात्मक विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, संघीय विशिष्टताओं वाला संघीय राज्य है, संघीय राज्य है। जी हाँ, इसमें अनुच्छेद 1 पढ़िएगा तो उसमें मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, राज्यों का संघ है। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर, 2 महीने के भीतर, 4 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर। जी हाँ, जब ये आपात की स्थिति हो जाएगा तब 1 महीने के अंदर उसको
अनुमोदन करना आवश्यक हो जाएगा। कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में निम्न में राज्यों में सर्वाधिक लाभान्वित होगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। जी हाँ, ये कृष्णा बंदरगाह आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा इससे लाभान्वित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय की शीतोष्ण पेटी टेम्परेट जोन में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बहुल्य है? चीड़, देवदार, सिल्वर फर, नील पाइन। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा देवदार। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, चकमुडुंग, हिमजुंग, सांगपो। जी हाँ, इसका इसका सही आंसर होगा वो होगा सांगपो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है? नर्म, गर्म, नव, हवादार स्थिति में, ठंडी, नम, हवादार स्थिति में, गर्म, शुष्क और शांत स्थिति में, गर्म, शुष्क और हवादार स्थिति में। जी हाँ, इसका सही आंसर है गर्म, नम, हवादार स्थिति में जो है प्रस्वेदन इंक्रीज होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। टाइफून प्रायः आते हैं मैक्सिकन खाड़ी, हिंद महासागर, उत्तर ध्रुवीय महासागर, चीन और जापान के समुद्रों में। जी हाँ, इसका सही आंसर है चीन और जापान के समुद्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए, अधिक वर्षा के लिए, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। जी हाँ, इसका जो आंसर होगा ई, क्योंकि यह मैक्सिमम अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेगा, यहाँ पे वन संरक्षण होगा, अधिक वर्षा होगा, इकोलॉजिकल बैलेंस होगा, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रांड कैनियन किस नदी में है? मिसिसिपी, कोलोराडो, कोलंबिया, ओहारिया। जी हाँ, ये कोलोराडो में है ग्रांड कैनियन। उच्च अक्षांश के चीड़ के वन की राख जैसी धूसर मृदा इस नाम से भी जाने जाते हैं, लाल तथा पित्त मृदा, टुंडा मृदा, पेडासोल, धूसरी, धूसर भूरी मृदा मृदा। जी हाँ, इसका बोलते हैं पेडासोल मृदा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी के घाट पर स्थित है? बर्लिन, इस्लामाबाद, मैड्रिड, वाशिंगटन डीसी। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वाशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी मृहामृग पाया जाता है? कान्हा, दाचीगंग, गिर, मुदुमलाई। जी हाँ, यह दाची गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडल परत की संख्या है 4, 5, 2, 3। जी हाँ, इसका सही आंसर है 5। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर,
थर्मोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ठीक है, ये सब आपको बता दिए बहुत पहले ही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जुलाई 2011 में घोषित जनगणना के आंकड़ों के अनुसार अभी तक गांव में रहने वाले भारतीयों का प्रतिशत क्या है? 80%, 75%, 70% और 60%। जी हाँ, इसका सही आंसर है 70%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश में तुम्लापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है? सबसे बड़ी टंगस्टन खाने, सबसे बड़ी यूरेनियम खाने, सबसे बड़ी कोयला खाने, सबसे बड़ी अभ्रक खाने, या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, जो टंगस्टन जो है, टंगस्टन का सबसे बड़ा खान अभी तुम्लापल्ली में मिला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं कोक्कन, कोरोमंडल, पूर्वी तट, मालाबार तट। जी हाँ, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता मापी से, आर्द्रता मापी से, साइक्रोमीटर से, वृद्धि मापी से। जी हाँ, मृदा की लवणता जो है कि वह मापा जाता है आपका चालकता मापी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया? 1936, 1912, 1904, 1949। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1936 में। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार में भूमि पर काश्तकारी को अधिकार बना दिया गया? ऑप्शन है बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1884, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1886, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885, बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1856। तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 के द्वारा, ठीक है, जो कि बिहार और बंगाल में काश्तकारी अधिकार दिया गया था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, वेद सिंह, हरिकिशन, धर्म सिंह। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा हरि सिंह। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? उद्रक, अलारकुलम के आश्रम, रामपुत्र, ब्रह्मगुप्त। जी हाँ, वो प्रथम जो शिष्य जो उनका गुरु बने थे अलारकुलम, उन्हीं के पास गए थे, उनके आश्रम में गए थे। और ये ब्रह्मगुप्त जो है, यही उनको शिक्षा के बारे में सर्वप्रथम बताया था। प्राचीन काल में 16 महाजनपद में कितना बिहार में शामिल था? 2, 3, 4, 1। जी हाँ, इसका सही आंसर है 2। बुद्ध ग्रंथ में महावीर को क्या कहा गया? अप्रिग्रह, शाक्य, निग्नाज पुत्र, ज्ञात्रिक। जी हाँ, इसका सही आंसर है निग्नाज पुत्र। बिहार में रेलवे परिवहन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? 1860-1862, 1960-1862, 1853, 1956। सर्वप्रथम 51-52 में चला, लेकिन इसके यहाँ पे 10 से 12 साल के बाद यहाँ प्रारंभ हुआ था 1860 से 1862 में। अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? प्राकृतिक, द्वितीय, तृतीय, तकनीकी। जी हाँ, इसका आंसर होगा प्राकृतिक।
राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। सभी प्रकार की बचत का योग, सभी व्यय का योग, सभी प्रकार की आय का योग, सभी प्रकार के निर्गतों का योग। जी हाँ, ये जितना भी इसमें जो बचत होगा इसको छोड़कर बाकी जो हम लोग राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन कर सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः किससे है? सैन्य पहलू, राजनीतिक शासन कला, सामाजिक पहलू, आर्थिक सिद्धांत। तो यहाँ इसका सही आंसर है राजनीतिक शासन कला से। जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आरक्षित बाजार, संस्थागत बाजार, मुद्रा बाजार, विनिमय बाजार। जी हाँ, इसका सही आंसर है मुद्रा बाजार। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? RBI, स्टेट बैंक, IFC, नाबार्ड। जी हाँ, ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक जो है कि वह नाबार्ड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गरीबी हटाओ नारा कौन सी योजना में शामिल था? प्रथम, द्वितीय, पांचवी, चौथी। जी हाँ, जो समय से पूर्व विघटित हो गया था उसको बोलते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। सरकार द्वारा लगाए गए अवरोध या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण, द्विपक्षीय समझौता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? लिबरल हो गया, उदारवादी हो गया। प्रति व्यक्ति आय, निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाय कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बाय नेशनल इनकम, राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाय कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बाय कुल जनसंख्या। तो प्रति व्यक्ति आय जो है कि हम लोग नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके फाइंड आउट करते हैं। केंद्र सरकार ने इंडिया COVID-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस पैकेज के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी राशि जारी की है? 20,000 करोड़, 15,000 करोड़, 10,000 करोड़, 25,000 करोड़। जी हाँ, इसका सही आंसर है 15,000 करोड़। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मतलब GI बिहार के किस मिठाई को दिया गया? सोन पापड़ी, जलेबी, सिलवा खाजा, रसगुल्ला। जी हाँ, सिलवा खाजा को बहुत 2-3 साल पहले दिया गया था। सिलवा खाजा से पहले बिहार के किस उत्पाद को GI टैग मिल चुका है? करछनी चावल, मगही पान, शाही लीची, जरदालू आम। जी हाँ, इसमें करछनी चावल है, जरदालू आम है, शाही लीची। इसका आंसर क्या होगा? ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा अस्पताल विश्व के सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा? PMCH, NMCH, DMCH, GMCH। जी हाँ, इसका सही आंसर है PMCH, पटना मेडिकल कॉलेज। 1 जनवरी 2019 को कौन बैंक बिहार में अपने अस्तित्व में आ गया? बंधन बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, मुथू बैंक, हेलियस बैंक। जी हाँ, दक्षिण ग्रामीण बिहार ग्रामीण बैंक। बिहार में कहाँ कृषि औजार केंद्र बनेगा? ऑप्शन है सुगोली, चिनपटिया, पिपरा कोठी, हरिनगर। जी हाँ, इसका सही आंसर है पिपरा कोठी। पिपरा कोठी में जो है बिहार का कृषि औजार केंद्र स्थापित होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
विश्व भर में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 2 मार्च, 21 मार्च, 20 अप्रैल। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा 1 मार्च को जो है कि शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको हम लोग ICAR बोलते हैं, द्वारा अंतर्राष्ट्रीय केला सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? सहरसा, तिरुचिरापल्ली, मंगलुरु, कोची। जी हाँ, इसका सही आंसर है तिरुचिरापल्ली में। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में सुर्खियों में रही दिव्या काकरान, पिंकी और सरिता मोर किस खेल से जुड़ी हुई है? तीरंदाजी, एथलीट, बॉक्सिंग, कुश्ती। जी हाँ, इसका सही आंसर है वह है कुश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना की बायोटेक्नोलॉजी व जीव विज्ञान फोरम बायो एशिया 2020 की थीम क्या है? ऑप्शन है टुडे फॉर टुमारो, टुमारो फॉर यूथ, यूथ फॉर टुडे, टेक्नो टुडे। जी हाँ, इसका सही आंसर है टुडे फॉर टुमारो। ठीक है, बायो एशिया 2020 का थीम यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले सेफ्टी किस टेक कंपनी के इंटरनेट सुरक्षा पहल है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एप्पल। जी हाँ, पहले सेफ्टी ये जो है गूगल का सुरक्षा पहल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बाईसवें अंतर्राष्ट्रीय सी फूड शो का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? कोची, गोवा, विशाखापट्टनम, मुंबई। जी हाँ, यहाँ पे 22वें अंतर्राष्ट्रीय सी फूड का जो शो होगा वो कोचीन में किया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। RCS उड़ान योजना के तहत 225वीं उड़ान भुवनेश्वर और किस भारतीय शहर के बीच शुरू किया गया? वाराणसी, काशी, जयपुर, कोणार्क। जी हाँ, इसका सही आंसर है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय पोत निर्माता कंपनी द्वारा भारतीय नौसेना को INS कावरती नामक पनडुब्बी रोधी स्टेल्थ युद्धपोत डिलीवर किया जाएगा? ऑप्शन है गार्डरिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, नेक्स्ट ऑप्शन है शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, नेक्स्ट ऑप्शन है लार्सन एंड टर्बो शिप वंडर्स, नेक्स्ट ऑप्शन है कोचिंग शिप यार्ड्स। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है गार्डरिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया गया? प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट, माधुरी दीक्षित, दीपिका पादुकोण। जी हाँ, इसका सही आंसर है दीपिका पादुकोण। हाल ही में फ्रेंच गिनी से किस भारतीय उपग्रह को लॉन्च किया गया? PSLV-40, GSAT-25, GSAT-30, PSLV-30। जी हाँ, इसका सही आंसर है GSAT-30।
किस भारतीय क्रिकेटर ने पॉली उमरीगर अवार्ड जीता है? रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, हार्दिक पटेल। जी हाँ, इसका सही आंसर है जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? बर्मिंघम, बर्लिन, टोक्यो, पेरिस। जी हाँ, इसका जो है कि बर्मिंघम में किया जाएगा, बर्मिंघम। लोकमान तिलक नेशनल जर्नलिस्ट अवार्ड हाल ही में किसने जीता? अभय सिंह, मुकेश कुमार, सुरेश चंद्र शर्मा, संजय गुप्ता। तो इसका सही आंसर है संजय गुप्ता। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्रिकेट, एथलीट, लेखक, सिनेमा। जी हाँ, इसका आंसर है सिनेमा। 17वें भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? पेरिस, लंदन, इटली, ब्रुसेल्स। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ब्रुसेल्स। मैनुअल मारोरो क्रूज किस देश के नए राष्ट्रपति बने? उत्तर कोरिया, रशिया, इटली, क्यूबा। जी हाँ, ये क्यूबा के नए राष्ट्रपति बने हैं। किस आईआईटी फेलो ने भारत की प्रथम वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स क्लिनिक को लॉन्च किया? जिंगेश पटेल, दिनेश भट्ट, सारिल शेख, आर सन्मुखम। जी हाँ, इसका सही आंसर है जिंगेश पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा कार्निवल ऑफ आल्स्ट किस देश से संबंधित है? उत्तरी कोरिया, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, स्पेन। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा बेल्जियम। हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ईरान, इराक, पाकिस्तान, भारत। जी हाँ, भारत, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वन डर लियोन किस देश से है? जापान, इटली, रूस, जर्मनी। जी हाँ, इसका सही आंसर है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ERMS के राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धा का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है? भोपाल, सूरत, इंदौर, ग्वालियर। जी हाँ, इसका सही आंसर है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस एयरपोर्ट में पार्किंग के लिए फास्टैग को पायलट बेसिस पर लॉन्च किया है? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। हैदराबाद, यहाँ तो दो आगे रिपीट हो गया, तो उसको भी आप लगा सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, हैदराबाद से ही है। किस राज्य सरकार ने लोगों की हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने की योजना बनाई है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं।
जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है तेलंगाना। तो लास्ट क्वेश्चन है ये, किस भारतीय को 26वें क्रिस्टल अवार्ड से चुना गया है? आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा दीपिका पादुकोण। तो दोस्तों ये सेट 11 था, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट डे सेट 12 स्टार्ट होगा। इसको शेयर कीजिए सभी जगह ताकि सभी को फ़ायदा होगा। इसका PDF देखिए बार बार आप लोग मंगा रहे हैं, लेकिन इसका सॉल्व कीजिए तभी फ़ायदा होगा। ठीक है, इसका PDF के लिए पुनः इसी नंबर पे मैसेज कीजिएगा 9473123824। धन्यवाद।